नाउ द एल्गोरिदम इज लुक, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इसको भी हम क्वेश्चन से सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे मेरे पास 200 ट्रैक्स दिए हैं 0 to 199, एंड दीज आर द रिक्वेस्ट विच आई हैव टू कवर, विच आई हैव टू सर्विस। वो मेरे पास ऑलरेडी क्यू के अंदर पड़ी हुई है। करंट पोजिशन गिवन है 50 पे। अब मेरे को एल्गोरिदम यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लुक, और यहाँ पे लुक का कॉन्सेप्ट क्या है, लुक एंड स्कैन जो है वो सम हाउ सिमिलर ही है। जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो 50 से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी मेरे पास सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए। FCFS और SSTF में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन स्कैन में भी आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए और लुक में भी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपको पता नहीं लगेगा कि किस तरफ आपको मूव करना है। तो यहां पे मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी लिख दी है कि डायरेक्शन जो है वो लार्जर वैल्यूज की तरफ मेरे को मूव करनी है। तो 50 से लार्जर वैल्यू कौन सी है, डेफिनेटली 82 आती है। तो मैं सबसे पहले 82 पे जाऊंगा, 82 को सबसे पहले कवर किया। 82 के बाद कौन सी रिक्वेस्ट कवर करूंगा, 140। मतलब मेरे को लार्जर वैल्यूज की तरफ जाना है और जो भी लास्ट वैल्यू है वहां तक पहुंचना है, और इन बिटवीन जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उनको एक एक करके कवर करते जाओ। तो 40 के बाद जो 140 के बाद जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आ रही है वो है 170, तो 170 को भी कवर किया। देन आ रही है 190, तो 190 को भी कवर किया। स्कैन में हम जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उस डायरेक्शन में बिल्कुल लास्ट तक जाते हैं। मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था आपको 199 तक जाना है, लेकिन लुक कहता है कि वाई देर इज अ नीड टू गो टू 199 बिकॉज द लास्ट रिक्वेस्ट इज 190, तो मैं एक्स्ट्रा मूव क्यों करूं यहां पे। तो लुक जो है वो 190 से ही मूव कर जाएगा। तो 190 से दोबारा वापिस आए, तो वापिस आते टाइम जो है सबसे पहले रिक्वेस्ट कौन सी आई, 43, तो 43 को कवर किया। 43 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट है मेरे पास 24, उसको कवर किया। एंड देन लास्ट रिक्वेस्ट है 16, उसको कवर किया। मतलब जो स्कैन में था ये वाला पोर्शन जो है 190 to 199, ये वाला पोर्शन वहां पे एक्स्ट्रा था, लेकिन लुक ये वाला पोर्शन कवर नहीं करेगा। अगर आप इसको दूसरी डायरेक्शन में भी करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको सेम ही करना है। 50 से हम मूव करें अगर लोअर वैल्यू की तरफ, तो सबसे पहले 43 पे गए, 43 से हम 24 पे गए, 24 से 16 पे गए। तो स्कैन जो था 16 के बाद वो जीरो पे जाता था, जीरो वैल्यू तक जाएगा, लेकिन लुक जो है वो जीरो वैल्यू तक नहीं जाएगा, वो 16 से ही आगे मूव कर जाएगा। तो मतलब कहने का जो एक्स्ट्रा पोर्शन हम यहाँ पे फॉलो कर रहे थे स्कैन वाले में, वो वाला पोर्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसको भी अब जब हम वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप सिंपली एक एक करके वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक एक कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट है कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसके लास्ट वैल्यू कौन सी है, 190, तो 190 माइनस 50 कर लो, प्लस 190 माइनस 16, डायरेक्ट एक बार में आपका जो है वो आंसर जो है वो सारा आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो एक एक करके, आप वो भी कर सकते हो, वो आपकी अपनी इच्छा। तो यहां पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 314 आ रहा है, विच इज लेस देन द स्कैन, और ऑब्वियसली लेस होगा ही होगा बिकॉज स्कैन में जो था ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा कवर कर रहे थे, तो उसकी वजह से 18 वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है, वो 18 एक तरह से ओवरहेड की तरह ही क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए लुक जो है वो परफॉर्म कर रहा है बेटर एज कंपेयर टू द स्कैन। और यहां पे अगर वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि अगर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक जाने का जो टाइम है वो 1 नैनो सेकंड अगर है, देन व्हाट इज द टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो मूवमेंट निकाल लो। तो मूवमेंट आई है आपकी 314, मतलब आपको 314 ट्रैक्स जो है वो मूव करने हैं इन सारी रिक्वेस्ट को कवर करने के लिए बाय यूजिंग द लुक। तो 314 ट्रैक्स को मूव कर रहे हो, एक को कवर करने के लिए 1 नैनो सेकंड है, तो 314 के लिए 314 नैनो सेकंड जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द लुक। थैंक यू।